नमस्कार दोस्तों, तांसी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आलू पालक बैंगन की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो इतना टेस्टी बनेगा कि सब लोग तारीफ करेंगे और बार बार बनाने को कहेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे रेसिपी को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आलू पालक बैंगन बनाने के लिए मैंने पालक को अच्छे से काट लिया है और इसे अच्छे से धुल लिया है। अब एक कढ़ाई में हम पानी पालक को डालेंगे। और इसमें पानी डालकर इसे उबाल लेंगे। पालक को अच्छे से ढक के इसे हम उबाल लेंगे। तो ये देखिए, पालक हमारा उबल गया है। पालक को मैंने पानी में से निकाल लिया है, उसका पानी निचोड़ के मैंने पालक को अलग कर लिया। अब एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाएगा तो उसमें मेथी दाना डालेंगे, हींग डालेंगे, लहसुन की कलियां मैंने 6-7 काटी थी उसे डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। लहसुन भूनने के बाद इसमें हमने 2 आलू काट के रखे थे वो डालेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तो आलू थोड़ा सा भून जाएगा तो मैंने बैंगन काट के रखे थे वो डालेंगे इसमें और इसे भी हम आलू के साथ अच्छे से पका लेंगे। इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पाँच मिनट बाद देखिए, थोड़ा सा बैंगन और आलू हमारा भून चुका है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे भून लेंगे। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। 5 मिनट बाद देखिए, थोड़ा सा और बैंगन और आलू हमारा पक गया है। अब इसमें हमने जो पालक उबाल कर पानी से निचोड़ कर बॉल रखा था उसे हम डाल देंगे। और इसे हम अच्छे से आलू बैंगन में अच्छे से मिक्स कर देंगे पालक को। इस तरह अगर आप आलू बैंगन पालक बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए अपने घर पे इस तरह बनाना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे ढककर 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट बाद एकदम अच्छे से हमारा आलू बैंगन और पालक अच्छे से पक गया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा आलू बैंगन पालक की सब्जी तैयार है। इसे अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा आलू बैंगन और पालक की सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है। इसे आप अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए, इतना टेस्टी बनेगा कि लोग बार बार बनाने को कहेंगे। और बिल्कुल आसान है इसे बनाना। इसे आप रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। सिर्फ चावल के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है।
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।